विश्व हिंदू महासंघ द्वारा कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया व एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि धारा 370 और 35 ए के कारण 70 वर्षों से कश्मीर के हिंदुओं पर अत्याचार, उत्पीड़न व उनकी हत्या की जा रही है। ये क्रम आज भी निरंतर जारी है, जबकि ये धारा स्थायी है। लोकसभा व विधानसभा से पारित धाराएं नहीं है, ये धाराएं जबरन हिंदुओं पर थोपी जा रही हैं। विश्व हिंदू महासंघ सरकार से अनुरोध करता है कि अब आपके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है, आप इन धाराओं को 370 और 35 ए को बिना किसी भय के इसे हटा सकते हैं। इसमें कोई कानूनी संवैधानिक बाधा नहीं है, इसलिए आप इन दोनों राष्ट्रीय विरोधी धारा 370 और 35 ए को तुरंत हटा दें। 70 सालों से कश्मीर में धारा 370 और 35 ए लग रही है, ये संवैधानिक नहीं है, ये केवल जबरन ये धारा है। 35 ए और 370 धारा जोड़ी गई है केवल हिंदुओं को पाक या कश्मीर से निकालने के लिए धारा है। ये ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रस्ताव पारित है, ना हमारी लोकसभा से पारित है, ना कश्मीर विधानसभा से पारित है। ये हमारे ऊपर जबरदस्ती वहाँ की सरकारों द्वारा और जो पूर्व की सरकारें थी, केंद्र की जो कांग्रेस की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने जानबूझकर ये हिंदुओं को पर थोपी गई है ताकि कश्मीर से हिंदू निकल जाए। इसी को समाप्त करने के लिए, क्योंकि अब हिंदुओं की सरकार आ रही है, हम उम्मीद करते हैं, हम मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी से इस धारा 370 और 35 को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये संवैधानिक धारा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।